हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लगाने लगी हूँ अपने मार्बल स्लैब के ऊपर मार्बल शीट्स जो कि मैंने मंगवाई हैं दराज से, और ये होती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये इसको किस तरह से चिपकाते हैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगी। और इसको मैं क्यों बिछा रही हूँ, मेरे जो कि मार्बल है ना, गैस का पाइप निकाला था तब इधर एक क्रैक जो हुआ था इतना हो गया था काफी ज्यादा, जो कि बहुत बुरा लगता है। एक ये इधर हो गया, साथ में जहां जहां पे भी ज्वाइंट्स आए हैं ना, तो ये जगह बड़ी अजीब सी लगती है, साफ करने से भी साफ नहीं होता। तो आज मैं बिछाऊंगी मार्बल शीट और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मार्बल शीट बिछने के बाद एक्चुअल में लगती है, ठीक है। और इनको हमने किस तरह से अप्लाई करना है तो ये प्रॉपर आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपनी तमाम सरफेस का मैंने तमाम सामान हटा लिया है, और आपने किसी भी डिशवाशर से आपने अपनी स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और इसके बाद ड्राई कपड़ा फेंक के बिल्कुल खुश्क कर लेना है, नमी इसमें नहीं होनी चाहिए। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किस तरह से चिपकाना है। सबसे पहले चिपकाने से पहले हमने ये करना है कि हमने चेक कर लेना है कि ये हमारी स्लैब्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसका जो सुराख ऊपर था वो मैं ये ले आई हूँ, अब इधर नीचे ये हमने इसको चेक कर लेना है प्रॉपरली। ये ऐसे मेरे स्लैब्स में क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा इसमें कमी पेशी आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, शीट्स मैंने तीन मंगवाई थी तो मेरे पास ज़्यादा हैं पड़ी, तो सबसे पहले मैं इस जगह पे अलग से शीट्स लगा लूँगी, उसके बाद मार्बल शीट्स जो है ये मैं अप्लाई करूँगी। तो पहले मैं इन साइड्स पर लगा लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह जो होगी इस तरह से नज़र आएगी तो वो बहुत बुरी लगेगी। साइड से लगाना है तो इसको हमने पहले ये ऐसे हमने थोड़ा सा इसको पहले कर लेना है, इसको और हम ऐसे चिपकाएंगे ये अच्छे से। अब इसको हम साइड से जो इसका है ना कागज, इसको हम खींचते जाएंगे, उसको हम पेस्ट करते जाएंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो मैंने इस पे इस तरह से सारी बिल्कुल आगे तक मैंने जहां तक जो चाहिए थी मैंने लगा ली है, ठीक है। यहाँ पे जो कि ड्रिल से सुराख करने, जैसे गैस के पाइप से यहाँ तक निशान हो गया, तो ये हिल रहा था ना, इसको मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया है अपनी इस वाली टेप से, बाइंडिंग टेप से इसको फिक्स कर लिया है। अब हम बिछाएंगे इसके ऊपर फाइनल शीट। लगाए थे तो यहाँ भी थोड़ा सा हुआ मसला, क्योंकि थोड़ा सा मार्बल अनइवन था तो इस वजह से भी। तो अब आपको एक फाइनल बता देते आपने लगाना है किसने, देखिए थोड़ा सा आपने कागज को पुश करना है ये इस तरह से, ये देखिए, और साथ ही साथ आपने इसको ऐसे करते जाना है लाइक दिस। यहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा मसला था स्लैब्स में, तो हमने वहां पे भी थोड़ी सी पहले टेप लगा ली थी ताकि थोड़ा सा इक्वल होते, थोड़ा सा इससे लगेगा जो अंदर आ जाएगा इट्स ओके, बट इट्स रियली रियली गुड। ऐसे लग रहा है कि रियल में ना मार्बल बिछाया हुआ। बस तो ये देखें शीट हमारी बिक चुकी है। आपको लग रहा है कि ये मार्बल स्लैब है या शीट है ना, इतने एक्सपेंसिव जो ले जिनको शौक है चेंज करने ना, इतने एक्सपेंसिव हम मार्बल की शीट लेते हैं, ठीक है। तो आप स्लैब्स ना लें और ये लगा लें, कितनी अच्छी लुक आ रही है। जिस पे नहीं बिछाया उसको भी देख लें और आप इसको भी देख लें, दिस टोटली स्मूथ। इसको बस लगाते हुए एहतियात करनी है, जैसे ही खोलें हाथ से इसको ऐसे कर दें, बिल्कुल स्मूथ होगा। और इसका एक अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हमसे थोड़े से अनइवन हो गई थी, तो उसको हमने दोबारा से खोल के सेट किया, तो ये देखें ये सेट भी हो गया। तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे फिर आपका बिल्कुल अच्छा लग जाएगा। ये देख लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मजीद और किसके बारे में देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।